नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एटी लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंशु भारद्वाज। आइए देखते हैं अभी की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, पैनल के बाहर के अस्पतालों से भी करा सकेंगे इलाज। लोकसभा में बोले पीएम मोदी, देश को आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों में फर्क करना होगा। किसानों के समर्थन में पाकिस्तान में भी ट्रैक्टर रैली, हाफिज सईद के करीबी गोपाल चावला ने किया ऐलान। साइबर क्राइम रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने शुरू की नई योजना, अब रखी जाएगी साइबर क्रिमिनल पर नजर। बीपीसीएल कंपनी की तीसरी तिमाही में हुई बंपर कमाई, लेकिन सबसे पहले सरकार इसे ही बेचने की कर रही तैयारी। बंगाल सीएम ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, टीएमसी के दिग्गज नेता रवि रंजन चट्टोपाध्याय नहीं लड़ेंगे चुनाव। पैसा बटोरकर कंपनी हुई फरार, केस दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रहे किसान। कोक, पेप्सी और बिस्लरी पर लगा 72 करोड़ रुपए का जुर्माना, 15 दिन के भीतर जुर्माने की राशि भुगतान करने का मिला आदेश। किसान महापंचायत में बोली प्रियंका गांधी, कारोबारियों के लिए धड़कता है पीएम मोदी का दिल। निजीकरण के विरोध में 2 दिन की होगी बैंक हड़ताल, लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं बैंक। बंगाल समेत तमिलनाडु, केरल और असम में विधानसभा चुनाव के लिए 15 फरवरी के बाद होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। नीतीश कैबिनेट में बने नए मंत्रियों ने संभाले अपने अपने विभाग, प्राथमिकताओं को किया साझा। बिहार में नए चेहरों को सामने लाकर भाजपा ने दिए बदलाव के संकेत, दिग्गज नेता हुए बाहर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर सादा निशाना, कहा लुप्त विलुप्त और गुप्त रहने वाले नेता को तलाश रही बिहार की जनता। पटना में गांधी घाट पर शुरू होगी गंगा आरती, फिर चलेगा एमवी बिहार। लखीसराय जिले में जब्त किए हुए शराब को अधिकारियों की निगरानी में किया गया थाना परिसर में ही नष्टीकरण। अरवल जिले में आयुष्मान भारत योजना को लेकर उप विकास आयुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में की गई समीक्षा बैठक। गया जिले की पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अभी के लिए इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए एटीएन लाइव इंडिया से।